अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला अब्बासी और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन अराउंड अस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। और आज हम हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऑनलाइन अर्निंग का ज़रिया कि जिसके ज़रिए आप घर बैठे माहाना आराम सुकून से 10 से 15 हज़ार से लेकर 50-55 हज़ार तक कमा सकते हैं। ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है और ख़ास तौर पे ये उन आलसी लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि वो लाखों और करोड़ों पे कमाना शुरू कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे एक ऐसी वेबसाइट के हवाले से कि जिस पर आप NFTs बना के अपनी गिग्स बना के फाइवर पे और ओपन सी के ऊपर अपने क्लाइंट्स बना चीज़ें सेल कर सकते हैं। ठीक है, अपने NFTs वहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हैं और अच्छे रेट्स में सेल आउट कर सकते हैं। तो बाकी आपको पीसी की तरफ लेके जाते हैं और वहीं पे सारी चीज़ें बताते हैं, मिलते हैं वीडियो के आखिर में। हाँ जी, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने NFTs कार्टून्स बना के उससे आप पैसे कमा सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है कि जिस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन वर्क करके पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर या फिर आपका सेलफ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी मेमोरी रखता हो। इसमें आप 2GB के सेल फ़ोन के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मास्टरपीस दिखा देता हूँ जो मैंने अभी बैठे हुए ख़ुद इसको चेक करके बनाया है। और ये पिक्चर मैंने डे ऑन द बीच अभी विद इन 2 to 3 मिनट्स क्रिएट की है। और ये इतना आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप आराम सुकून से और अच्छे तरीके से कार्टून्स बिल्डअप कर सकते हैं, उनका लोगोस बना सकते हैं या फिर NFTs जिसको कहते हैं वो चीज़ आप आराम सुकून से क्रिएट करके क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसमें कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताता चाहता हूँ, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किया तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने सबसे पहले क्रोम पर जाना है, क्रोम पर जाके आपने सर्च करना है toonytool.com, TOONYTOOL.com। ये सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सामने लिखा आ रहा है क्रिएट कार्टून। क्रिएट कार्टून पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन के नीचे वाली जगह पे भेज देगा जिस पे एक ब्लैक फॉर्म आ जाएगा और ऊपर ऑप्शंस आ जाएंगे जिससे आप चीज़ें बिल्डअप यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप प्रॉप्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें पीपल, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और अपलोड, अगर आप गैलरी से कोई चीज़ अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अगर लेट्स सपोज मैं आपको कुछ ड्रा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेट्स सी हमारा ये बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे आराम सुकून से, या छोड़ें इसको हम करते हैं डिलीट और यहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं इसको, बेबी को हम करते हैं ड्रा। और इसी तरह अगर कोई आपने एनिमल्स में से करना है तो यहाँ से ये आ गया बुल, ठीक है, 7 बुल आ गया इसके। अच्छा, इसको आप यहाँ से ऑक्यूपाई लाइक किसी कैपेसिटी देख सकते हैं, बड़ा करना है, छोटा करना है इसको, या साइज़ इसका जिस तरह भी रखना है आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स में आप लाइक जूस ग्लास एक रख लेते हैं, ठीक है, वो भी आपका आ गया। इसके अलावा फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो आपके पास सेट बैकग्राउंड कलर, सेट बैकग्राउंड इमेज, इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन सी आपने इमेज यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है, जस्ट लाइक अभी हम इसको गार्डन पे क्लिक करते हैं तो एक गार्डन पे आ जाएगा जिसमें हमारा एक बैल आया है, बच्चा बाहर गैराज में रो रहा है और जूस वाला ग्लास भी बाहर पड़ा हुआ है। पीछे घर की स्क्रीन आ गई बैकग्राउंड में और आपने ये चीज़ें सेटअप कर दी। बाकी जिस तरह भी आप इसको बनाना चाहते हैं आप इसको आराम सुकून से बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। विद इन 2 to 3 मिनट्स आप अपना NFT बना सकते हैं। यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि NFT कैसे बनाना है, कैसे आपने कार्टून इमेज बनानी है और कैसे आपने सब बिल्डअप करना है। ठीक,
अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये अलाइनमेंट का भी है, आप ऑब्जेक्ट को किस तरह आपने रखना है, सेंटर ऑब्जेक्ट में, सेंटर ऑब्जेक्ट वर्टिकली रखना है। इसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, टेक्स्ट लिख के वहाँ से इसको साइज एंड कलर एंड नंबर सब कुछ करके, और बोल्ड करना है आपने इसको तो बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीच बबल बहुत अच्छा ऑप्शन है, जस्ट लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिस तरह टाइप हियर आई आई वॉन्ट राइट, सो बेबी सेइंग आई वॉन्ट जूस, ओके, सिंपली जस्ट लाइक दैट आपने इसको कर देना है, और लाइक बेबी कह रहा है आई वॉन्ट जूस एंड दैट्स व्हाई ये रो भी रहा है साथ। इस तरह आपने एनएफटी बनाया, चले एनएफटी बनाने तक तो ठीक है, आपने ये बना लिया, अच्छा सा बना लिया, बहुत आउटस्टैंडिंग, बट आपने सर्विस सेल कहाँ करनी है और कैसे से पैसे कमाने, तो चलते हैं उस पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, फाइवर के ऊपर आ जाना है कि फाइवर को जिस तरह बहुत से ऑलमोस्ट सारे ही लोग जानते हैं फाइवर के हवाले से कि इस पे ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, तो यहाँ पे आके आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आके एनएफटी आर्ट जो लिखा है यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस में आ जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 870 सर्विसेज अवेलेबल हैं अभी तक, और अगर हम यहाँ पे लोकल यूज़र्स यानी पाकिस्तानी यूज़र्स को ऑन करके देखते हैं तो हमारे पास 166 सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि 166 सर्विसेज पाकिस्तान वाले कम प्राइस के अंदर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे अच्छी अच्छी अपनी गिग्स बना के यहाँ पे अपलोड करें और अच्छे टैग्स और डिस्क्रिप्शन डालें, ताकि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो हैशटैग्स कीवर्ड्स जो आपके रैंक हों और क्लाइंट्स आपको टेक्स्ट बैक करें और आपके आपको ऑर्डर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलना शुरू हो जाए। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं मिलते, ठीक है, आपने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं मिलते, तो आपने क्या करना है, opensea.com यहाँ पे जाके यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना के यहाँ पे अपने सर्विसेज सेल करना शुरू कर देनी है, और यहाँ पे इस चीज़ का ये ऑलमोस्ट एनएफटी के हवाले से बना है ओपन सी। तो अगर आपकी सर्विसेज फाइवर पे फॉर द टाइमिंग सेल नहीं हो रही तो आप ओपन सी के ऊपर आके अपनी सारी सर्विसेज यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो आज हमारी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें भी आपको सारी की सारी समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझे उस चीज़ का बताएं, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन और जितने भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं अकाउंट बनाने में, अगर फाइवर का अकाउंट बनाने में मिस्टेक कर रहे हैं तो मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो डिटेल में इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपके सामने मौजूद होगी। और बाकी आज के लिए इतना ही था। और एक और चीज़ कि मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जिस पे कहते हैं कि आप जाएं और कॉपी पेस्ट करके पैसे कमाएं या वीडियोस देख के पैसे कमाएं, तो यार ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होता, ठीक है, और ये सारी फेक होती हैं। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं, कोई भी बताता है तो बोलें भाई माफ़ करो, और हमें कोई लेजिट वे ढूंढने तो जिसमें काम करें, ठीक है। वैसे ही आप उस पे टाइम भी लगाते हैं अपना, अपने पैसे भी लगाते हैं और रिवार्ड आपको कोई हासिल नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें और अच्छी चीज़ों पर जाएं जहाँ पे आपको थोड़ा सा काम तो करना पड़े यार, पता लगे कोई आप काम कर रहे हैं। ऐसे आप घर बैठे तो दरख्तों से पैसे तो आते नहीं हैं, आप तोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। तो लाजमी आप इन चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसी वेबसाइट से बिल्कुल परहेज़ करें, जिस तरह डॉक्टर मना करता है वैसे ही मना करूँ, परहेज़ कीजिएगा। तो आज के लिए यही था, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।